नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। यदि हमारे मन में अहंकार है तो जीवन सूखा सूखा सा हो जाता है, संबंधों में जैसे गांठ सी आ जाती है। और यदि अहंकार से हम मुक्त हैं तो जीवन सरस रहता है, सभी हमारे समीप आना चाहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अहंकार किस बात का? मित्रों, जो भी दिया है परमात्मा ने दिया है, हम यही कहते हैं, या जो भी मिला है यहीं आके मिला है और जाने के बाद हम यहीं छोड़ के जाएंगे, तो अहम किस चीज़ का? यदि इस थोड़े से भाव को, सुंदर विचार को अपने मन में रखते हैं तो जीवन कितना सरस सहज हो जाता है। और ऐसा ही कुछ सुंदर भाव लिए हुए है आज का सुवाक्य। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इसीलिए इस पर कभी अहंकार ना करें। समय और भाग्य भी बदलता है। जब समय और भाग्य हमारे अनुकूल है तो हम अहंकार में ना आ जाएं, और अगर ये प्रतिकूल है तो हम निराश भी ना हो जाएं, क्योंकि ये इतनी बड़ी दो शक्तियां हैं जो परमात्मा ने हमें दी है। और अगर हम समय का सदुपयोग करते हैं तो भाग्य अवश्य ही हमारे हाथ में है। परमात्मा ने भाग्य की कलम हमारे हाथ में दी है, और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो निसंदेह भाग्य हमारे हाथ में है। इसीलिए ना तो केवल हम अपने भाग्य को देखकर निराश हों, लेकिन याद रखें कि परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा स्वमान दिया है। उसे याद रखें कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ और मुझे अपने समय का सदुपयोग करना है। ओम शांति। मित्रों, अहम भी एक मच्छर के सदृश है। जो काटता है तो वहाँ तकलीफ होती है, राइट? और हम चाहते हैं कि मच्छर से मुक्त रहें, अहम रूपी मच्छर से। और मच्छर इसलिए याद आया क्योंकि आज 25 अप्रैल है, विश्व मलेरिया दिवस है। सारे संसार में आज मलेरिया के प्रति जागरूकता लाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक छोटा सा मच्छर लाखों लोगों की जान लेने का कारण बन जाता है। यदि थोड़ी अवेयरनेस रखी जाए तो हम अनेक लोगों की जान बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में, आज डॉक्टर साहब विश्व मलेरिया दिवस पर हमें क्या कह रहे हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज 25 अप्रैल है और आज सारे विश्व में वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। हर साल हजारों लोग मलेरिया से मर जाते हैं। मलेरिया के वैसे चार स्ट्रेन कहा जाता है। सबसे जो कॉमन है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, दूसरा जो कि एनोफिलीज के द्वारा फैलता है, और दूसरा जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। ये बहुत ख़तरनाक मलेरिया है जिसको हम दिमागी बुखार भी कह देते हैं, क्योंकि दिमाग को तो असर करता ही करता है, किंतु हमारी लीवर को, किडनीज को भी डैमेज करता है, हमारे लंग्स को भी डैमेज कर सकता है। और इवन आजकल देखने में वाइवैक्स मलेरिया भी सिंपल नहीं रहा है। यूजली वो क्लोरोक्विन से ठीक हो जाता था, किंतु आजकल ये भी हमारे लंग्स को डैमेज करने लगा है, और इससे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाना पड़ सकता है कुछ पेशेंट्स को। दोस्तों, अपने घर के आप अगर आप चाहते हैं मलेरिया से बचना, चाहे वो वाइवैक्स हो या फैल्सीपैरम हो या दूसरे मलेरिया भी होते हैं,
मलेरिया ये एक अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है, पर कुछ केस आजकल भारत में भी पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी अगर आपको बुखार आता है, ठंड के साथ आता है, एक दिन आता है या डेली भी आता है, तो आप ध्यान रखें, तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें और उनकी सलाह लें, अपना मलेरिया का टेस्ट कराएं। आजकल स्पेशली डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं और उसकी एक्यूरेट डिटेक्शन हो सकती है, और टाइम पर इलाज करने पर उससे हम बच सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वर्ल्ड मलेरिया डे के दिन हम अपने एरिया में, अपने समाज में ये अवेयरनेस, जागृति क्रिएट करें कि मलेरिया एक सिंपल किंतु जानलेवा रोग है, और इसके बचने का भी तरीका बहुत सिंपल है। तो हम कभी भी इसमें कोताही ना बरतें और इसके लिए डॉक्टर से मिलें, टेस्ट कराएं और अपना प्रॉपर समय पर इलाज कराएं। ओम शांति। तो हम जागरूक रहेंगे और औरों में भी जागरूकता अवश्य फैलाएंगे, इस संकल्प के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक मच्छर तो है बाहर जो हमें तकलीफ देता है, और दूसरे मच्छर हमारे अंदर भी हैं, कई प्रकार की कमी कमजोरियों के या फिर व्यर्थ विचारों के, जो भिनभिनाते रहते हैं, काटते रहते हैं और हमारे मन को दुखी करते रहते हैं, निराश करते रहते हैं। तो इन मच्छरों से भी तो मुक्त होने की आवश्यकता है ही। बाहर के मच्छरों के लिए हम बहुत सारी व्यवस्था कर पाते हैं, लेकिन जो अंदर मच्छर हैं उनके लिए क्या? इसके लिए सचमुच अध्यात्म बहुत मदद करता है। और जब कभी भी ब्रह्म कुमारीज के परिसर में हमारे विशिष्ट जन पधारते हैं, तो इस अनुभव को ज़रूर साझा करते हैं कि जीवन में अपने फील्ड में रहते हुए, किसी भी फील्ड में आप हैं, लेकिन अध्यात्म रूपी नींव को ज़रूर अपने जीवन में शामिल करें। ऐसा ही सुंदर अनुभव सुमित अवस्थी जी का, जो कि जर्नलिस्ट हैं और न्यूज़ एंकर हैं, आइए सुनते हैं। मैं ऐसी किसी भी कोशिश को जहाँ पर वैल्यू बेस्ड लाइफ स्टाइल को सिखाया जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसको सपोर्ट करने में, और ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ इस बात को, और मैं इस बात को दिल से मानता हूँ कि जब तक इंसान मन से नहीं साफ होगा, अपने आप नहीं ठीक होगा, और वो कैसे ठीक हो सकता है? वो वैल्यू से ही हो सकता है। वो वैल्यूज उसको सिर्फ परिवार से नहीं मिलती है, अपने आसपास से मिलती है। जिस माहौल में वो पढ़ता है, खेलता है, कूदता है, घूमता है, वहाँ से वैल्यूज़ मिलती हैं। और ये वैल्यूज़ अगर सब में अच्छी हो जाएंगी तो अपने आप, इसीलिए मैंने कहा कि आदमी अगर खुद ठीक हो जाए, इंसान अगर खुद साफ, पाक साफ हो जाए, तो समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, भारत मानवता बदल जाएगी। पर हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। हमको मज़ा आता है दूसरे की ओर उंगली उठाने में। हम अपने आप के अंदर बुलाने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। हम तब भगवान को याद करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं। सही बात है। जब हमको कोई रास्ता नहीं सूझता तब हम मंदिर जाते हैं, तब हमको हर साधु संत में भी भरोसा हो जाता है, वही साधु संत जो दो हफ्ते पहले तक हम जिसके खिलाफ बोल रहे थे। तो आदमी को ये बात समझनी होगी, माननी होगी कि बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं, सिखा गए हैं, लिख गए हैं, उसमें वाकई में दम है कि मूल्यों के साथ अगर आप जीवन जियेंगे तो आप सही रास्ते पर चलेंगे। अगर आप मूल्यों के साथ नहीं रहेंगे तो बहुत आसान है कि आपका भटक जाना, बहुत आसान है कि आपके विचारों का भ्रष्ट हो जाना, और बहुत आसान है कि आप समाज के अंदर पॉजिटिव चीज़ें लाने की तो बात बहुत दूर, आप नेगेटिव चीज़ें फैलाने लगेंगे। तो जब कभी हमारे परिवार के किसी सदस्य या फिर निकट संबंधी के मूड को हम ऑफ देखते हैं, निराश देखते हैं, बड़े प्यार से उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चलो खाना खाते हैं, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, हम उनके मन को स्वस्थ करने की भरपूर कोशिश करते हैं, उनके मूड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। विचार करें, जब हम दूसरों के मूड को ठीक कर सकते हैं, तो यदि हमारे मन में कभी उतार चढ़ाव आता है तो हम अपने मूड को भी तो ठीक कर ही सकते हैं। अपने आप को खुश रखना, अपने मूड को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना बहुत बड़ी कला है, और यही कला ब्रह्म कुमारी जन जन को सिखा रही हैं कि कैसे विपरीत परिस्थिति में अपने आप को स्वस्थ रख। आइए देखते हैं उनके सेवा कार्यों की एक झलक। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान वर्ल्ड अर्थ डे पर ज्ञान मान सरोवर के दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर सेवा
सेव लाइफ विषय पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर पानीपत के डिप्टी कमिश्नर IAS भ्राता सुशील सरवन मुख्य रूप से पधारे एवं कुमारी जानवी वंडरगर्ल भी इस कॉन्फ्रेंस में पधारी। राजयोगिनी सरला दीदी, भ्राता भारत भूषण जी एवं 75 महान विभूतियों के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर विधिवत तरीके से इस कॉन्फ्रेंस एवं इस वर्ष की थी दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण का भी लॉन्चिंग किया गया। भ्राता सुशील सरवन ने इस कॉन्फ्रेंस में अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्राचीन काल में हमारे भारत देश में जो सुख और शांति थी उसका एक नया आयाम हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्थान है। भ्राता भारत भूषण जी ने इस सुअवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दया का मूल धर्म है। जब व्यक्ति स्वयं का आध्यात्मिक सशक्तिकरण करता है तो उसमें दया करुणा आती है एवं विश्व धरा दिवस पर धरा को सुरक्षित रखने की एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण की प्रेरणा भी दी। इस कॉन्फ्रेंस में पधारे विशिष्ट अधिकारियों के द्वारा पौधों का वृक्षारोपण दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर परिसर में करवाया गया। लगभग 500 से अधिक लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम सफल हुआ। मित्रों, जाते जाते दो बातें आपसे कहते हुए जाना चाहूंगा। एक तो ये कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या आपके साथ साझा करता है तो सच मानिए वो ईश्वर की तरह आप पर भरोसा करता है कि ये व्यक्ति मेरी समस्या का निदान करेगा। हम दिल से उनकी मदद करें, ना कि उनकी बातों को यहाँ वहाँ फैलाएं या उसका गलत फ़ायदा उठाएं, इससे सामने वाले का विश्वास टूटता है। और दूसरी बात, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, दो बातें मित्रों, अहंकार और संस्कार, दो बातें हैं हमारे जीवन में। या तो अहंकार से हम दूसरों को नीचा दिखाएं या संस्कार से खुद झुककर लोगों को अपना बनाएं। चयन हमें करना है। अहम तो सबको दूर करता जाएगा हमसे, जबकि सुंदर संस्कार दूसरों को हमारे करीब लाता चलेगा, समाज में परिवार में एक सुंदर सरस सहज और एक ऐसा समरस वातावरण तैयार करेगा जो स्वर्ग तुल्य होगा। चयन हम सबको करना है। कल पुनः मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।